1, 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड इस सिस्टम में 5 बार ये सिस्टम ऑरेंज लाइट ब्लिंक करने के बाद इस सिस्टम में कोई भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है और इसी टाइप से 5 बार से ब्लिंक करती आ रही है। तो सबसे पहले सिस्टम को पावर बटन प्रेस करके इस सिस्टम को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और ऑफ करने के बाद यहाँ पर जो इसके पीछे की जितनी भी पावर कोड और कनेक्टर है उनको यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही ईजी सोल्यूशन होने वाला है, वीडियो को लाइक करते चले। उसके बाद फ्रेंड्स इसके जो कवर के पीछे के 2 स्क्रू यहाँ पे होते हैं इनको आप निकाल लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। और उसको निकालने के बाद इसका जो बैक साइड का जो कवर होता है पीछे का उसको आप यहाँ पर स्टेप से निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेक्शन यहाँ पर इसकी हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव का सेक्शन होता है और इसको यहाँ पर 3 स्क्रू की हेल्प से इसको यहाँ टाइट किया गया है। तो इन स्क्रू को हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फ्रेंड्स इसका जो फ्रंट का जो पैनल है जो कवर है प्लास्टिक वाला उसको लॉक निकाल करके इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद फ्रेंड्स को निकालने के लिए इसके पीछे साइड में यहाँ पर एक लॉक सिस्टम होता है, तो हम यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प करके उस लॉक को वहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं और अनलॉक करके इसको आगे स्लाइड करके इस सेक्शन को हम यहाँ से निकाल। तो फिर निकालने के बाद इसके जो पीछे साइड में छुपा हुआ सेक्शन जो यहाँ पे मदरबोर्ड का यही हमें चाहिए था, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पर सीमोस की बैटरी यहाँ लगी हुई, तो हमें इस सीमोस की बैटरी को इसमें यहाँ से जो सीमोस 2032 ये जो बैटरी होती है इसको यहाँ से निकाल लेना है। और निकालने के बाद इस बैटरी जो लगी होती है इसके प्लस और माइनस वाले होते हैं उसको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए भी कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं इस सीमोस बैटरी की हेल्प से ही इन दोनों कनेक्टर को यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये जो मेरी सीमोस बैटरी है ये ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर एक नई सीमोस बैटरी को यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। और रिप्लेस करने के बाद जो इसका हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव सेक्शन है उसको वैसे का वैसा लगा देता हूँ। और लगाने के बाद सिस्टम में मैं बस खाली एक मेरा डिस्प्ले का कनेक्टर और एक मेरा जो पावर का कनेक्टर है वो पीछे से उनको लगा देता हूँ। लगाने के बाद सिस्टम को यहाँ पर इसका जो पावर बटन है इसको प्रेस करके देखता हूँ, तो अभी आप देख रहे हैं सिस्टम में सीपीयू फैन जो है वो ऑन हो गया और यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट यहाँ पे जल रही है, कोई भी अंबर लाइट यहाँ पे नहीं जल रही। और सिस्टम में आप देखिए डिस्प्ले भी यहाँ पे आ गया है, साथ में यहाँ पे एक सीमोस डेट एंड टाइम की एरर आ रही है जो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ओके करके करूंगा तो ओके हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस हेल्पफुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। से और भी बाय।